हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। सलमान खान की आने वाली फिल्म है भारत। इस फिल्म की शूटिंग के लिए सलमान खान को कई बार विदेश की यात्रा तय करनी होगी, लेकिन कोर्ट ने उनकी विदेश यात्रा के लिए अनुमति मांगने वाली अर्जी को नामंजूर कर दिया है। बता दें कि काला हिरण शिकार मामले में फंसे सलमान खान को विदेश जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिल्म के सिलसिले में उन्हें विदेश भी जाना पड़ता, इसीलिए सलमान के वकील ने स्थायी अनुमति की अपील की थी, लेकिन सलमान की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब विदेश जाने के लिए सलमान को हर बार कोर्ट से इजाजत लेनी होगी। सलमान की तरफ से अपील में स्थायी अनुमति देने की मांग की गई थी, ताकि विदेश यात्रा के लिए बार बार कोर्ट से आवेदन ना करना पड़े, लेकिन कोर्ट ने स्थायी अनुमति की याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि सलमान खान को काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। सलमान के वकील ने नए सिरे से एक अर्जी पेश कर 10 अगस्त से 26 अगस्त तक आबू धाबी और माल्टा जाने के लिए कोर्ट से अनुमति मांगी है। इस याचिका पर कोर्ट से सलमान को विदेश जाने की इजाज़त मिल गई है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।